जय हिंद साथियों, आज हम दर्शन करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े एक ऐतिहासिक स्थान के, जो स्वर्ण मंदिर के पास है। यहाँ 13 अप्रैल 1919 को जो मासूम शहीद हुए, जो घायल हुए, उनका स्मारक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्योहार के दिन हुआ। बैसाखी का त्योहार भारत के लोग रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियों के लिए मनाते हैं। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उस दिन भी अमृतसर में हजारों लोग पिछले सालों की तरह श्री हरमंदिर साहब जी में दर्शन करने और बैसाखी का मेला मनाने पहुंचे थे। यह बाग गुरुद्वारे से 500 मीटर की दूरी पर ही है। इसमें लगभग सभी धर्मों के बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जवान मेले में इकट्ठे हुए थे और बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। इस मेले में ही कुछ लोग जो देशभक्त थे, वो रॉलेट एक्ट का और स्वतंत्रता संग्राम के दो जनप्रिय नेताओं श्री सैफुद्दीन किचलू और श्री सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध भी कर रहे थे, जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज ऑफिसर ने जनता को निकलने का मौका दिए बिना उस सभा में उपस्थित निहत्थे जनसमूह पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी से गोलियां चलवा दी। बाग से निकलने का रास्ता संकरा था। उस रास्ते से लगभग 50 सैनिकों द्वारा फायरिंग करवाई गई। 1650 राउंड फायर हुए। लगभग 10 मिनट का समय फायरिंग का बताया जाता है, जिसमें शहीद हुए लोगों के आंकड़े 400 से 1500 तक विभिन्न सोर्सेज अलग अलग बताती हैं और 2000 से भी अधिक घायल हुए। उन घायलों को भी उचित चिकित्सा ना मिलने के कारण उनमें से भी काफ़ी लोग शहीद हो गए। यह घटना भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत थी और फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। यह बाग 7 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। इसमें स्मारक हैं, संग्रहालय है, एक कुआं है जिसमें गोलियों की बौछार से बचने के लिए मासूम लोग कूदे, और एक इंस्क्रिप्शन के अनुसार इसमें 120 शव मिले। इन मासूम लोगों पर हिंसा ने भारत के सभी जनता को, नेताओं को स्तब्ध कर दिया और अंग्रेजी संस्कृति, सभ्यता की पोल खुल गई। भारत को अंग्रेजी साम्राज्यवादी सोच की समझ आ गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस अमानवीय दुखद जनसहार की खबर सुनकर अपना ब्रिटिश नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया। साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरे इस चैनल में, मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में ऐसे स्थान भी मेरी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। वीडियो के अंत में कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। अपने घर में, अपने परिवार में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी ज़रूर बढ़ाएं।
इंग्लैंड कैसे भारत में आया, कैसे हमारे शासकों की आपसी दुश्मनी का लाभ लिया, कैसे हमारी कमज़ोरियों का लाभ उठाया, हमारी उत्तम सभ्यता संस्कृति को नीचा दिखाने का क्या उद्देश्य था, हमें किसी जाति, रंग, धर्म या देश से नफरत नहीं करनी, किंतु साम्राज्यवादी सोच क्या क्या करा सकती है वह पता होना जरूरी है। इसी सोच का एक उदाहरण है जलियांवाला बाग में मासूम लोगों का हत्याकांड। जय हिंद।